दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ में मैं फिर से आप लोगों के साथ में लगातार हाजिर हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है संविदा कर्मियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मी हैं या फिर वैक्सीनेटर सहायक हो गए या फिर और अन्य विभागों में जो है कार्य करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है, बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए नियमितीकरण को लेकर के। और एक 2021 में जो है इतनी बड़ी खबर पहली बार जो है आप लोगों के लिए आ रही है संविदा कर्मियों के लिए, और इसमें हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है ऐसा सूत्रों का मानना है, और ऐसा सूत्रों के द्वारा जो है जानकारी मिल रही है हमें। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी, उसके बारे में हम आइए आपको बताते हैं और आपको पूरी जानकारी से रूबरू कराते हैं। लेकिन आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों 1 अप्रैल से सरकार ने जो है नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया है। अब 1 अप्रैल से सभी विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हो जाएंगे, और नियमितीकरण होने के बाद में जितने भी लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी हो, उनको अब अच्छा खासा जो है मुनाफा हो जाएगा और काफ़ी जो है फ़ायदा होगा नियमितीकरण के बाद। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि अब आप लोगों को एक निर्धारित सैलरी मिलेगी, जिससे आप लोगों का आराम से जीवन यापन हो सकता है। तो दोस्तों यही जानकारी थी, और ये जानकारी अभी हमें मिली है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। दोस्तों और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप अमेठी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को